हे दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए फिट फॉर इट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हे दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ त्यागी और मैं स्वागत करता हूं आपका फिट फॉर हिट चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी वीडियो के लिए इंट्रो तैयार कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा टेक्निकल स्किल्स के और बिना किसी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर के। आपके लिए उसको एक वेबसाइट पर जाना होगा। वो वेबसाइट कौन सी है मैं आपको बताऊँगा। सो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको penjoyed.com वेबसाइट को ओपन करना है, और आप इसमें देखेंगे कि इस वेबसाइट में क्लिप मेकर, बैकग्राउंड और वीडियो एडिटर, इस तरह के आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे, और बहुत सारी टेम्पलेट्स इस वेबसाइट पे दिखाई देंगी। एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जहाँ पे आप किसी भी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। किसी भी बैकग्राउंड, अगर आपको कोई अच्छा सा बैकग्राउंड बनाना है तो उसको आप बना सकते हैं, और आपको कोई क्लिप बनानी है तो क्लिप मेकर के थ्रू आप यहाँ पे उस क्लिप को बना सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं कि कैसे हम एक इंट्रो को तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आपको पेनजॉइड के इस मेन्यू में जाना है, और आपको आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, होम, क्लिप मेकर, बैकग्राउंड, बैकग्राउंडर, वीडियो एडिटर, इस तरह के। तो आपको क्लिप मेकर पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको बहुत सारी टेम्पलेट्स दिखाई देंगी, या अगर आपको टेम्पलेट्स और भी कोई आपको देखनी है तो आप मेन्यू में जाके और यहाँ पे होम पे जाके आपको बहुत सारी टेम्पलेट्स वहाँ पे दिखाई दे जाएंगी। लेकिन फिर भी हम जो भी यहाँ पे टेम्पलेट दिखाई दे रही हैं उसको ही हम यूज़ कर लेते हैं। ये एक सिर्फ इंट्रोडक्शन है, आप यहाँ पे इसको अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं, और जो भी आपका आपकी यूट्यूब वीडियो है या आपका जो चैनल है उसके हिसाब से अपना इंट्रो तैयार कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक नेम, ये आपको जो टेम्पलेट दिखाई दे रही है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसे सेलेक्ट करने के बाद में ये लोड होगा, और लोड होने के बाद में आपको राइट साइड में यहाँ पे ये ऑप्शन दिखाई देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टॉगल रेंडर व्यू पे क्लिक करना है, जिससे कि ये वीडियो रेडी हो जाएगी आपको प्ले होने के लिए, और फिर प्ले पर क्लिक करना है। तो आप देखेंगे कि ये वीडियो इस तरह से आपको शो हो रही है, आपका जो इंट्रो है वो इस तरह से तैयार होगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं कि हम इसको किस तरह से अपने YouTube चैनल के नेम के हिसाब से तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जाएंगे यहाँ पे बेसिक्स ऑप्शन पे। आप साइड में देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मेन्यू है पूरा, जिसमें आपको प्रोजेक्ट, बेसिक्स, सीन, ऑब्जेक्ट्स, एफएक्स, कैमरा, ऑडियो, म्यूज़िक, डाउनलोड, इस तरह के ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो किसी भी टेम्पलेट को एडिट करने के लिए आपको सबसे पहले बेसिक्स में जाना होगा। बेसिक्स में आप वहाँ पे उसके रिजोल्यूशन सेट कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के रिजोल्यूशंस हैं, जिसमें आप जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो 1080 पिक्सल्स का है, जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट है। बाकी आप अपने हिसाब से यहाँ पे कोई भी रिजोल्यूशन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में फ्रेम रेट भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, 30 या 60। 30 बाय डिफ़ॉल्ट है, मैं चाहता हूँ कि यही रह बना रहे। उसके बाद में आपकी जो वीडियो की लेंथ है, जो आप इंट्रो बनाएंगे उसकी लेंथ है, वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक बात बहुत ज़्यादा ध्यान देने की है कि जो लेंथ होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और मेरे हिसाब से 10 सेकंड से ज़्यादा की कोई लेंथ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर 10 सेकंड से ज़्यादा की लेंथ आप रखते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपके व्यूअर्स होते हैं वो इरिटेट हो जाते हैं उसको लेकर, और हो सकता है कि वो आपके वीडियो को डिसलाइक भी करते हैं और आपके चैनल को भी अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, या अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको वो छोड़ सकते हैं, वो सब्सक्राइब नहीं करेंगे, क्योंकि यूज़र को बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि 8 या 10 सेकंड का जो इंट्रो होता है वो काफ़ी होता है आपके चैनल का नाम और ये सब लोगो शो करने के लिए। तो मैं इसको जो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट है 10.2, इस वीडियो की जो लेंथ है उतना ही रखता हूँ, ठीक है। क्या ही मैंने यूट्यूब चैनल्स पे जाके देखा है जहाँ पे उनके इंट्रो करीब 25 सेकंड या 30 सेकंड तक भी होते हैं, जो कि सच में बहुत इरिटेटिंग होते हैं। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि जो लेंथ है वीडियो की वो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 8 या 10, इससे ज़्यादा आपका इंट्रो नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट है हम उसको उतना ही रखते हैं, क्योंकि ये तो एक डेमो है, तो आप अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं बाद में। इसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट्स ऑप्शन पे जाएंगे। ऑब्जेक्ट्स में आप देखेंगे कि मेन जो इसका मैजिक है वो यहीं पे है।
ये आपको ग्रुप यहाँ पे दिखाई देगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट तरह के इसमें टेम्पलेट्स हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स में आपके बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स यूज़ होते हैं, आपकी लेयर्स यूज़ होती हैं किसी भी इंट्रो को बनाने में, अगर आपको थोड़ा सा टेक्निकल पता होगा तो। यहाँ पे सिर्फ आपको दिख रहा है कि टेक्स्ट, नेम और इस तरह के तीन चार इन्होंने ग्रुप में ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए हैं, तो हम भी इस बस यहीं पर इसको एडिट करेंगे। तो नेम नेम में आपका जो भी आपके चैनल का नाम है, जैसे मेरे चैनल का नाम है फिट फॉर हिट, तो मैं अभी फिट फॉर हिट के हिसाब नाम से ही अब ये इंट्रो तैयार कर लेता हूँ। तो चलिए इसका नाम चेंज करते हैं, फिट फॉर हिट हमने इसको लिखा, यहाँ पे एंटर किया, तो आप देखेंगे राइट साइड में यहाँ पे इसको ये चेंज हो गया है। उसके बाद में जो सेकंड है, ये सभी एक्चुअली ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि इसकी इसके व्यू को, इसके एनिमेशन को तैयार करते हैं। अभी जहाँ जहाँ भी हमें नेम लिखा हुआ है वहीं पे हम अपने चैनल का नाम यहाँ पे रख देंगे। तो फिट फॉर हिट, फिट फॉर हिट मैंने दो जगह चेंज किया, और उसके बाद में फिर यहाँ थर्ड नेम भी हम फिट फॉर हिट को यहाँ पे रख सकते हैं। ये देखिए, तो अभी अगर हम इस वीडियो को प्ले करेंगे तो आपका फिट फॉर हिट के नाम से ये पूरा का पूरा आपका जो इंट्रो है वो तैयार हो गया है। इसकी मैं थोड़ी आवाज़ बढ़ा देता हूँ। दोस्तों जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये सिर्फ इंट्रो है, इसमें बहुत सारी टेम्पलेट्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स को आप यूज़ कर सकते हो अपने जो भी आपका चैनल है उसके हिसाब से, आपके जो भी थीम है आप उस थीम के हिसाब से आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स को यूज़ करके और इनको आप एडिट भी कर सकते हो। जैसे मैं अभी अभी कोशिश करूँगा कि इसके जो कलर है वो उसको चेंज करने की, तो फिट फॉर हिट जो अपर टेक्स्ट है मैं उसको देखूँगा, वहाँ पे मैं नीचे जाके देखता हूँ तो कलर यहाँ पे वाइट है, तो मेरा जो फिट फॉर हिट जो चैनल है उसकी जो थीम का जो कलर है वो ऑरेंज है, तो मैं ऑरेंज में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये ऑरेंज मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। उसके बाद मैं थर्ड वन यहाँ पे सेकंड और थर्ड को मैं देखता हूँ तो इसमें कोई कलर नहीं है, ठीक है, तो बस जो फर्स्ट वन है वहीं पे चेंज करना पड़ा मुझे। और उसके बाद में फिर मैं इसको दोबारा चला के देखता हूँ तो इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है, और देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके बाद में हम इसके जो फ़ॉन्ट है उसको भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ये पूरा एडिटर है यहाँ पे, इसको हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट आपके फ़ॉन्ट का साइज़ क्या रहेगा, आपका फ़ॉन्ट का जो फ़ॉन्ट है वो क्या होगा, उसके डिफरेंट डिफरेंट जो साइज़ हो सकते हैं वो हम लिख सकते हैं, उसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं, रोटेशन सेट कर सकते हैं, ये सब हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए मैं प्ले फेयर डिस्प्ले नाम का जो फ़ॉन्ट है इसको यूज़ कर लेता हूँ, सेकेंड वन के लिए भी इसे यूज़ कर लेता हूँ ताकि सिमेट्री बन जाए। और ये देखिए तीनों को मैंने इस तरह यूज़ किया, और अब मैं प्ले करता हूँ तो देखता हूँ किस तरह दिखता है। ये देखिए आई थिंक काफ़ी डिसेंट दिख रहा है। उसके बाद में जब आप इस तरह से आप अगर खुद इसको देखेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और अपने ऑप्शंस के हिसाब से आप इसके एनिमेशन को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इस ट्यूटोरियल में ये सब करने नहीं जा रहा हूँ, अभी तो मैं इसमें ये इंट्रो बता रहा हूँ कि आप किस तरह से यहाँ पे एक अच्छा सा इंट्रो अपने लिए तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में आप अब चूंकि ये तैयार हो गया है तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑडियो आपको दिखाई दे रही है आप उसको भी अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चेंज हो सकता है। उसके लिए आप यहाँ पे ऑडियो में जाएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी फ़ाइल को, तो जैसे अगर लोगो म्यूज़िक मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ या आपका जो भी अपना म्यूज़िक होगा उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे आप इसको यहाँ पे जो म्यूज़िक है उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक है उसको सेट कर सकते हैं। उसको मैं अभी फ़िलहाल इस इंट्रो में सेट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, बट आप अपने यहाँ पे अपना कस्टम सेट कर सकते हैं ऑडियो। इसके बाद में आप इस सेक्शन को स्किप कर सकते हैं, और फिर फाइनली जब आपका इंट्रो तैयार हो जाता है तो आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे कई ऑप्शन दिखाई देंगे, मोड दिखाई देगा, मोड में क्या है कि आप डिफरेंट डिफरेंट तरह का इसको जो इसकी क्वालिटी सेट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें फास्टर रेंडर यहाँ पे है, बैलेंस्ड है, गुड क्वालिटी है, एक्सट्रीम गुड क्वालिटी, ये आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपको क्वालिटी बढ़ानी है ना तो जब ये रेंडर होगा तो रेंडरिंग होने में थोड़ा टाइम लेगा, तो मैं इस डेमो में बैलेंस ही रख लेता हूँ ताकि ये जल्दी से रेंडर हो जाए। यहाँ पे मैंने बैलेंस इसको रख लिया। उसके बाद में फॉर्मेट अगर चेंज करना है तो फॉर्मेट में आप डिफरेंट डिफरेंट दो तरह के फॉर्मेट हैं इसमें, MKV है और WebM,
मैं बाय डिफ़ॉल्ट MKV सेलेक्ट है तो उसी को ले लेता हूँ और फिर यहाँ पे स्टार्ट रेंडर कर देता हूँ। रेंडरिंग में ये थोड़ा इसको कैलकुलेट करेगा और उसके बाद में रेंडर होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए धीरे धीरे रेंडर होना शुरू हो गया है। अभी इसकी रेंडरिंग बिल्कुल फिनिश होने वाली है कुछ ही सेकेंड्स में। और रेंडरिंग होने के बाद में यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि डाउनलोड योर वीडियो और रिटर्न टू एडिटिंग मोड दोनों ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं। तो डाउनलोड योर वीडियो पर आप क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद में आप देख रहे हैं कि नीचे यहाँ पे आपकी वीडियो जो है डाउनलोड हो गई है। अभी इसको मैं ओपन करता हूँ और इसका तो मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी अच्छा इंट्रो बन गया है। आप भी इसी तरह से अपनी वेबसाइट के कंटेंट के हिसाब से, अपने वेबसाइट के थीम के हिसाब से इसका इंट्रो तैयार कर सकते हैं। और ये जो वेबसाइट है penjoyed.com, और यहाँ पे आपको कोई कॉपीराइट का भी कोई इशू नहीं है और आराम से अपने आप इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। आप अगर आपको कोई बैकग्राउंड सेट करना वो भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई वीडियो को एडिट करना वो भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए। और अगर आप भी जानते हैं कि इससे भी अलग कोई ऐसी वेबसाइट है जो कि अच्छा वहाँ पे आप अच्छी तरह से वीडियो एडिट कर सकते हैं या उसको आपके इंट्रो तैयार कर सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी जान जाए और मुझे भी पता चले। क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में तो क्या क्या है इंटरनेट पे हम लोगों को ज़्यादातर पता नहीं होता है, जब हम ढूंढते हैं तभी पता चलता है। तो आपको अगर पता हो तो प्लीज़ आप भी कमेंट में इस तरह की लिंक को शेयर कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और अगर आपने इस मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।